आप देख रहे हैं कि हम जा रहे हैं उस मुलजिम को पकड़ने के लिए। ये दो मुकदमात में इश्तिहारी थे और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पुलिस इनको पकड़ लिया है, उनको लेके बाहर जा रहे हैं। अब ये पुलिस उनको लेके जा रही है, अब देखते हैं मजीद क्या कार्रवाई करेगी पुलिस इनके साथ। विद इन मिनट्स जो है वो पंजाब पुलिस ने कार्रवाई की और क्रिमिनल को पकड़ा और यहाँ से लेकर गई सॉफ्टवेयर से, होटल आई सॉफ्टवेयर से हमने ये गिरफ्तार किया। अगर कोई पैसेंजर किसी भी ज़िले से आया है वो यहाँ पर आकर उसने आके अपनी ऑनलाइन टिकटिंग करवानी है, इस तरह यहाँ से एंट्री होगी। अगर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो हमें वहाँ पर हमारे ऑफिस में रिसीव हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुबैर शारिक, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक खसूसी प्रोग्राम को लेकर हाजिर हो गए हैं लाहौर, करोड़ों की आबादी का शहर लाहौर, जिसमें सैकड़ों की तादाद में डेली बेसिस पे लोग आते हैं और यहाँ से बाहर जाते हैं। लेकिन आप कुछ जानते हैं कि पुलिस की निगाह इन तमाम लोगों पर रखी हुई है एक सॉफ्टवेयर के तहत, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है ट्रैवल आई सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे काम करता है, कैसे मॉनिटर करता है लोगों को, आज हम इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताएंगे। तो आइए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज कमांड एंड कंट्रोल इकबाल टाउन अली नकी साहब, और आइए इनसे पूछते हैं कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरह से काम करता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। ये जो सॉफ्टवेयर है जहाँ पर ट्रैवल आएगा, ये काम किस तरह करता है और ये कैसे लोगों को जो है फ़ायदा पहुँचा रहा है और गुनहगारों को पकड़ रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इसके बारे में आपको ट्रैवल आई से मुतल्लिक थोड़ा सा बता दूं कि ये असल में है क्या। बेसिकली ट्रैवल आई ये है कि इसमें जितने भी पैसेंजर्स, अभी तो हम इस वक्त एक ट्रैवल एजेंसी पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे हम पैसेंजर्स के हवाले से बात करेंगे। अगर कोई पैसेंजर किसी भी ज़िले से आया वो यहाँ पर आकर उसने आके अपनी ऑनलाइन टिकटिंग करवानी है तो वो यहाँ पर आकर अपनी ऑनलाइन टिकट करवाएगा, जो कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है होटल आई सॉफ्टवेयर से इधर अपनी ऑनलाइन एंट्री करवाएगा। और एंट्री कराने के बाद अगर उसके ऊपर माजी में या कुछ ऐसा चल रहा हो क्रिमिनल रिकॉर्ड जो उसके ऊपर है, उसका जो भी अगर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो हमें नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा। जिस तरह सूरत में हमें वो उसका नोटिफिकेशन रिसीव होता है, हम विद इन सेकेंड्स हम वो नोटिफिकेशन मुतलका SHO को नोट करवाते हैं और वो विद इन मिनट्स उस मतलूबा जगह पे जाके मतलूबा बंदा जो होता है उसको जाके उसे वहाँ से गिरफ्तार करते हैं। ट्रैवल आई और होटल आई सॉफ्टवेयर एक ही है? जी ये एक ही है। ठीक है, ये दोनों के दोनों सॉफ्टवेयर एक ही हैं और ये पैसेंजर्स पे जो है उस पे चेक इन बैलेंस रखते हैं कि वो किस तरह से जो है वो उनका एंट्री एग्जिट हो रहा है। जी एंट्री और एग्जिट सही हो गया। तो यहाँ उनको पकड़ने के लिए कि बाकायदा कोई पुलिस बिठाई गई है या आपकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी होती है? ये हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है ना उसकी एक्सेस हमारे पास ही मौजूद होती है डिविजनल लेवल पे, और हमारे जो ऊपर और भी ऑफिसेज हैं DIG ऑफिस, CCP ऑफिस, ये एक्सेस उनके पास है। ये जो एक्सेस यहाँ तक ये जो अड्डे वाले हैं इनको हमने एक्सेस नहीं दी हुई, क्योंकि अगर इनको पता चल जाए तो इसमें कोई ना कोई मामला बन सकता है, वो उधर से स्किप हो सकता है वो जो मुजरिम है जिसको हमें मतलूब है। इस वजह से ये नोटिफिकेशन हमें रिसीव होता है, हम मुतलका SHO को नोट करवाते हैं, वो विद इन मिनट्स आके यहाँ पे आके उस बंदे तक पहुँचते हैं और नोटिफिकेशन हमें इस तरह से रिसीव होता है कि उसके ऊपर बस का नंबर भी होता है, बस का सीट नंबर भी होता है और उसके ऊपर उसका टाइम भी होता है कि यहाँ से ये गाड़ी कितने बजे मूव करनी है और उसका रूट भी लिखा होता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको कितने टाइम में जो हैं वो पता लग जाती हैं अगर आइडेंटिफाई हो जाए कि ये बंदा क्रिमिनल है और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? जिस तरह ही यहाँ पे उसकी ऑनलाइन टिकट होगी विद इन नैनो सेकेंड, वन क्लिक के ऊपर जिस तरह यहाँ से एंट्री होगी, अगर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो हमें वहाँ पे हमारे ऑफिस में रिसीव हो जाएगा। ये अभी नाज़रीन को हम दिखाना चाहते हैं कि आपके पास जो अंदर डाटा और सॉफ्टवेयर मौजूद है ट्रैवल आई के नाम से वो किस तरह से ऑपरेट करता है, कि आप नाज़रीन को दिखाएंगे? हमारे बिल्कुल आ जाए, आपको दिखा दें नाज़रीन। आ जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इनके बुकिंग ऑफिस में जहाँ पर ये ट्रैवल आई का सॉफ्टवेयर जो है वो ऑपरेट हो रहा है। अभी अली नकी साहब जो इंचार्ज हैं हमें बताएंगे ये सॉफ्टवेयर ऑपरेट किस तरह होता है और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं ये जिसकी वजह से ये सॉफ्टवेयर जो है वो आइडेंटिफाई करता है क्रिमिनल को। जी अली नकी साहब। जी ये देखें, हम इस वक्त इस मौजूद हैं जहाँ पर ऑनलाइन टिकटिंग हो रही है। ये देखें, आए आपको दिखा देते हैं,
ये ऑनलाइन टिकटिंग हो रही है, वहाँ पे पैसेंजर आए हुए हैं, अपना आईडी कार्ड वो देंगे, उनके आईडी कार्ड के साथ इनकी एंट्री होगी यहाँ पर, और एंट्री के बाद अगर उसके ऊपर किसी तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई ऐसा मामला होता है तो वो इसका नोटिफिकेशन हम वहाँ पे रिसीव कर लेते हैं। सही हो गया। अभी कोई आईडी कार्ड की एंट्री आप करके दिखाएं सॉफ्टवेयर के अंदर, ताकि हमारे नाज़रीन को जो है वो अच्छी तरह से वाजिया हो जाए कि किस तरह सॉफ्टवेयर जो है ऑपरेट करता है। जैसा कि देख रहे हैं कि आप नाज़रीन, ये सॉफ्टवेयर खुल चुका है और ये जो मैम बैठी हुई है यहाँ, ये एंट्री कर रही हैं ये सॉफ्टवेयर के अंदर, और ये सॉफ्टवेयर बताएगा कि ये शख्स जो कि आप एंट्री करवा रहे हैं ये क्राइम फ्री हैं या नहीं है। जी अली नकी साहब, ये बताइए कि जो नोटिफिकेशन है किसी भी क्रिमिनल का, वो आपको यहाँ मौसूल होगा इस ऑफिस में या आपको कहीं और मौसूल होगा? ये मैं आपको बात क्लियर कर दूँ कि ये जो किसी भी क्रिमिनल का अगर कोई रिकॉर्ड फाउंड होता है, हमें रिसीव होता है, तो ये जो नोटिफिकेशन होता है ना उसका, वो मुतलका किसी भी ट्रैवल एजेंसी पे वो नोटिफिकेशन नहीं शो होगा, ये सिर्फ हमारा ऑफिशियल होता है। इस वजह से ये सीक्रेट होने की वजह से ये हमें नोटिफिकेशन नोट होता है और हम ये नोट करवाते हैं मुतलका एस एच ओ को। जी नाज़रीन, अभी पुलिस को एक नोटिफिकेशन मौसूल हुआ है कि यहाँ पे भी एक क्रिमिनल मौजूद है। आइए जानते हैं कि पुलिस जो है अपनी कार्रवाई कैसे करेगी और इसको कैसे ट्रेस करेगी। जी, हमें एक नोटिफिकेशन नोट हुआ है, ये बंदा दो मुकदमात में इश्तियारी है। जी जी, पीओ है ये हमारा, एक थाना कुलशरा वीक है लाहौर का और एक थाना फैक्ट्री एरिया फैसलाबाद का है। सही। ये हमने नोट करवा दिया है मुतलका एस एच ओ को, थाना शेराकोट को। सही। वो विद इन मिनट्स आके इधर से आकर उस बंदे को गिरफ्तार करेंगे। आइए चलती है नाज़रीन, देखते हैं कि मजीद आगे कार्रवाई क्या बनती है इस पर। आइए हमारे साथ रहिए। लाहौर से अटक बरास्ता मोटरवे वाकन कामरा अटक रवानगी के लिए तैयार है। लाहौर से अटक कामरा वाकन जाने वाले मुसाफर हजरात जिनके पास 12:30 के टिकट से बराए करम बस नंबर 1 में तशरीफ ले जाए, गाड़ी रवानगी के लिए तैयार है। जी नाज़रीन, जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि हम जा रहे हैं उस मुलजिम को पकड़ने के लिए और देखते हैं आया कि वो मुलजिम जो है वो इस गाड़ी में मौजूद है या नहीं है। ये आईडी कार्ड मांग रहे हैं पैसेंजर से, आपके सामने मौजूद हैं ये अरसलान साहब, इन्होंने पैसेंजर से आईडी कार्ड मांगा है। अब देखते हैं कि ये नाम है इनका, इनका सीएनआईसी नंबर अब टैली करने लगे हैं। अब देखते हैं कि मजीद ये पुलिस कार्रवाई कैसे करती है। ये अली नकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी जो हैं वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आया वाकई ही जो इन्होंने देखा है ये दुरुस्त है या नहीं है। जी जनाब, ये दो मुकदमात में ये इश्तियारी है। जी जनाब, ये शख्स जो इन्होंने पकड़ा है पुलिस ने, ये दो मुकदमात में इश्तियारी हैं और इस वक्त ये जो हैं वो लाहौर की हदूद से बाहर जा रहे थे और पुलिस ने जो है इनको पकड़ लिया है। और आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये दो मुकदमात में इश्तियारी थे और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पुलिस इनको पकड़ लिया है और उनको ले कर बाहर जा रहे हैं। अब ये पुलिस उनको लेके जा रही है, अब देखते हैं मजीद क्या कार्रवाई करेगी पुलिस इनके साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस शख्स को जो कि दो मुकदमात में मुलव्वस था, इश्तियारी था, इस शख्स को जो है पुलिस ने गाड़ी में बिठा लिया है अपनी और ये गाड़ी में इसको अब लेके जा रहे हैं।
जी, जैसा कि आपने देखा कि विद इन मिनट्स जो है वो पंजाब पुलिस ने कार्रवाई की और क्रिमिनल को पकड़ा और यहाँ से लेकर गई। हमारे साथ अब मौजूद हैं अली नकवी साहब, इनसे मज़ीद और पूछेंगे अब जो क्रिमिनल ने पकड़ा है इसके साथ मज़ीद आगे वो क्या करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे और इसके पुलिस जो है वो कब तक इसको अपने पास होल्ड करके रखेगी। अली नकवी साहब से जानते हैं, आइए। जी अली नकवी साहब, बताइए, जो क्रिमिनल पकड़ा गया है और विद इन मिनट्स पंजाब पुलिस ने पकड़ा है और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्रवाई की है, अब ये मज़ीद आगे क्या करेंगे पंजाब पुलिस इसका? जी, इसको हसबे साहब का गिरफ्तार कर लिया गया है, अब इसको थाने में लेके जाएंगे, इसके मज़ीद रिकॉर्ड की पड़ताल की जाएगी और बाद सारी तस्दीक इसकी बाद में गिरफ्तारी अमल में ला के इसको जिस जिस मुकदमात में ये पीओ था, इश्तिहारी था, उन थानों में इतला की जाएगी, वो यहाँ से आके उसे यहाँ से रिसीव कर लेंगे। अच्छा, ये 2020 के अंदर मुकम्मल अभी ख़त्म होने को है, 2020 एक महीना तकरीबन रह गया है, ये कितने ऐसे जो हैं वो क्रिमिनल इस सॉफ्टवेयर की मदद से, ट्रैवलर की मदद से आप लोगों ने पकड़े हैं? जी, मैं बताता हूँ आपको, ये होटल आई सॉफ्टवेयर की मदद से इस 2020 में हमने 98 मुजरिम इश्तिहारी जो है ना वो गिरफ्तार किए हैं, जिसमें संगीन मुकदमात के भी थे, जिस तरह 302, 392, 95, 489 एफ, बहुत से मुकदमात में इश्तिहारी थे 98। अब एक ये और हो गया तकरीबन के 100 बन गए हैं, 100 की तादाद में आपने 2020 के अंदर क्रिमिनल पकड़े हैं। इस सॉफ्टवेयर से, होटल आई सॉफ्टवेयर से हमने ये गिरफ्तार किया। अली नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। आपका भी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।